प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील से दिन भर सन्नाटे में रहा देश, लेकिन शाम 5 बजते थाली, कटोरी, चम्मच, ताली और शंखनाद की आवाज से पूरा देश गूंज उठा। शाम 5 बजे चिकित्सक, नर्स, पुलिस, खाद्य आपूर्ति, पत्रकार समेत कोरोना के संकट के बीच अपना फर्ज में जुटे लोगों के लिए पूरे देश एक साथ खड़ा हो गया। आज इस घड़ी में एक अलग सी भावना देश के प्रति देखने को मिली। मन सोचने का कि कमाल का देश है भारत। बेशक हम में लाख बुराई हो, आपस में लड़ते झगड़ते हैं, लेकिन जब बात देश की आती है तब पूरा देश एक मुट्ठी बनकर अपनी ताकत का इजहार करता है। वे देश की सेना हो या देशवासियों की जान बचाने वाले डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ या लोगों को पल पल की खबर देने वाले पत्रकार, सभी के लिए लोगों ने आभार जताया। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कानपुर से, जहां शाम 5 बजते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर भारत ने देखा शंख, घड़ियाल, वाद्य यंत्रों की आवाज का अद्भुत नजारा। हैरानी इस बात की रही कि शहरी इलाकों के साथ साथ दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र में भी कदम उतना ही सफल रहा। तो वहीं यूपी के बागपत में 5 बजते ही थाली और ताली से गूंजा मोहल्ला, कॉलोनी वासियों ने शंखनाद पर खूब बजाए घंटे और घड़ियाल। सभी डॉक्टरों, पुलिसकर्मियों, मीडिया कर्मियों के प्रोत्साहन के लिए बालकोनी में गली में खड़े होकर स्वागत किया। चाहे शहर के मुख्य मार्गों पर बागपत पुलिस ने गाड़ियों के सायरन बजाकर लोगों को जागरूक भी किया। बात करते हैं जनपद मैनपुरी की। शाम 5 बजते ही लोगों ने तालियां और थालियां बजाकर प्रोत्साहन दिया। संग लिया और रखा होगा।